हेलो फ्रेंड्स, श्रेया फैशन में आपका स्वागत है। आज हम उषा जनोमे एलूर सिलाई मशीन में ट्रबल शूटिंग करना बताएंगे। यदि मशीन में नीडल साइड का धागा बार बार टूटता है तो सबसे पहले हम थ्रेड को चेक करें कि प्रॉपरली धागा लगा हुआ है या नहीं। इसके लिए हम धागा हटाकर एक बार फिर से स्टेप बाय स्टेप धागा लगाएंगे। स्टेप वन और ये स्टेप टू, स्टेप थ्री और ये फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गई। यहाँ लाके एक हुक देर का उसमें हम इस धागे को डालेंगे और नीडल को मैक्सिमम ऊपर कर देंगे। यदि आपको धागा डालने में फिर भी कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक पर जाकर वीडियो जरूर देखें। नीडल थ्रेड टेंशन ज्यादा टाइट है तब भी धागा बार बार टूटेगा। लूज करने के लिए लोअर नंबर की तरफ जाएंगे। जैसे कि ये 8 नंबर पे है तो हम लोअर नंबर की तरफ जाएंगे। तो थ्रेड टेंशन कम हो जाएगी। यदि नीडल मुड़ी हुई है तब भी धागा बार बार टूटता है, सुई को बाहर निकालकर कांच या प्लेन जगह पर रखकर आप चेक कर सकते हैं। अगर सुई मुड़ी हुई है तो आप चेंज कर लीजिए। यदि नीडल प्रॉपर तरीके से इंसर्ट नहीं है तब भी धागा बार बार टूटेगा। इसके लिए सुई को बाहर निकाल कर वापस सही तरीके से लगाए। सुई का फ्लैट पोर्शन अपोजिट साइड में रखें और हाफ राउंड पोर्शन अपनी तरफ रखें। सुई को पूरा ऊपर की तरफ पुश करें। पुश करके स्क्रू से इसको टाइट कर दें। अगर हम इसको पूरा टाइट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो जैसे वैसे मशीन चलती रहेगी, ये नीडल नीचे आती रहेगी और टूट सकती है। यदि सिलाई करते करते कपड़ा खत्म हो जाता है फिर भी मशीन चलती रहे तो धागा टूट जाएगा। यदि धागा पतला है और फैब्रिक मोटा है तब भी धागा टूट सकता है। इसके लिए हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग धागा चूज करेंगे। यदि मशीन में बॉबिन थ्रेड बार बार टूटता है तो हम चेक करेंगे कि बोबिन थ्रेड प्रॉपरली बोबिन केस में नहीं डला हुआ है। इसके लिए हम बोबिन निकाल कर धागे को वापस सही तरीके से लगाते हैं। ये धागा खुलने की दिशा बोबिन के एरो की तरफ होनी चाहिए। ये देखिए इस तरफ ऐसे, ये देखिए इसमें हम इस तरह से पुश कर देंगे। इसके बाद धागे को इस स्लॉट में, बॉबिन केस के स्लॉट में खींच कर लगाएंगे। ये देखिए ये स्लॉट, इसमें हम खींच देंगे और इस तरह से कट जैसे आवाज आएगी और ये लग गया। धागे को डिलीवरी आई तक, ये डिलीवरी आई है, लाकर करीब 4 इंच लंबाई तक खींचकर छोड़ देंगे और हम इसमें लगा देंगे। बोबिन केस में लिंट इकट्ठे हो गए हैं तब भी बोबिन साइड का धागा बार बार टूटेगा। इसके लिए बोबिन केस की क्लीनिंग करेंगे। यदि बोबिन डैमेज हो रही है और स्मूथली घूम नहीं रही है तब भी धागा बार बार टूटता है, इसके लिए बोबिन चेंज कर लें। यदि मशीन की सुई बार बार टूटती है तो सुई को चेक करें कि सही से लगी हुई है या नहीं।
जैसा कि हमने आपको अभी बताया है सुई लगाना। यदि सुई मुड़ी हुई है तब भी सुई टूटती है। नीडल क्लैंप स्क्रू लूज है तो आप टाइट कर ले, इससे भी सुई टूट सकती है। यदि नीडल थ्रेड टेंशन बहुत ज्यादा टाइट है तब भी नीडल टूट सकती है। जैसा कि हम इसको फुल 9 की तरफ या 8 की तरफ ले जाएंगे तो ये टाइट होता जाएगा, तब भी सुई टूटने का चांस रहता है। यदि नीडल सिलाई वाले कपड़े के अंदर है, पैटर्न सेलेक्टर डायल को हम घुमाते हैं तब भी सुई टूट सकती है। इसके लिए जब भी पैटर्न सेलेक्टर डायल को चेंज करना है तो नीडल को बाहर निकालें। मैं आपको पैटर्न सेलेक्टर डायल चेंज करके बताती हूँ। ये देखिए, अगर ये अंदर होगी तो ये टूट सकती है। यदि लाइट वेट कपड़े के सिलाई के लिए जो सुई लगा रखी है उसी सुई से हेवी वेट कपड़े की सिलाई करेंगे तो सुई टूट सकती है। इसके लिए हम फैब्रिक के अकॉर्डिंग सुई लगाएंगे। लाइट वेट कपड़े के लिए 9 या 11 नंबर की सुई यूज करते हैं और मीडियम वेट कपड़े के लिए 11 से 14 नंबर की सुई यूज करते हैं और हेवी वेट कपड़े के लिए हम 14 या 16 नंबर की सुई यूज करते हैं। इस तरह से हम मशीन में आने वाली छोटी छोटी समस्या का समाधान घर पर ही कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स।